वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा दोस्तों, आज तुहानू एक शुगली जिहा किस्सा सुनाने हैं। वो किस्सा कुछ इस तरह है कि ना, पहले वक्तों के विच रवाज हुंदा सी कि जिहड़े मरासी जिन्होंने असी खान सामे कहने हैं, ये जनाब पहले रिश्ता करवाते होंगे सी पिंड वालों का, या जिस जिसनों जरूरत हो। एक मरासी ने ना एक पिंड दे विच जाके एक रिश्ता करवाया दूसरे पिंड वालों का, तो उन्हें आख्या जी ठीक है, रिश्ता तय हो गया। जिस वक्त वो रिश्ता तय हो गया तो वो जंज जी तैयार हो गई। जिस जंज आई तो विचकार एक पिंड गुजरता सी, उस दे विच गुजर के अगले पिंड जिथे उन्होंने शायद जंज लेके जाना उत्थे जाना सी। वो जो विचकार पिंड आंदा हा उत्थे जी थोड़े हकत आए तो वह बंदे ने उन्होंने डक लिया उस पिंड वाले ने। उस वक्त रवाज ये आ के एक बुजारत या कह लो पहेली वो ऐसी पाते सी कि जिस वक्त वह जवाब देंदे तो वो तां अगे जान देंदे, जब तक वह जवाब ना मिले वो तब तक अगां नहीं जान देंदे। वो पिंड वाले ने ना रस्मन कहा कि सानू जंज रोक के ये जवाब देवो कि तुहाडी जंज दे विच सब दी वड्डा चवल कौन है। वो जंज वाले जिहड़े ने उसदे सारे परेशान हो गए कि इन्होंने किस तरह का सवाल पाया जिहदा जवाब तो सानू पता ही कौन। वो जिहड़े मरासी ने रिश्ता करवाया वो पिछे समान वाला छोटे मोटे समान वाला बक्सा लेके आंदा सी, वह भी चरण पहुँचा। जिस वक्त वह पहुँच आंदा तो उन्हें आख्या जी क्यों जंज रोकी है? वह जंज वाले ने कहा जी ये पिंड वाले ने एक बुझारत पाई है कि तुहाडे विच सब दी वड्डा चवल कौन है। उन्हें आख्या मेरे नाल पहले बक्सा लवाओ, मैं जवाब देना कि यह सब दी वड्डा चवल कौन है। अच्छा, उन्होंने बक्सा लवाया, उन्होंने अगे आके मरासी कहिंदा जी वह सब दी वड्डा चवल तो मैं। वो हैरान हो गए, उन्हें आख्या जी ठीक है ये तो मान लिया, हूँ यह दसो कि तुसी चवल तू सब दी वड्डा किस है। उन्हें आख्या जी रिश्ता करवाया मैं, अगर तो इन्हें डंग सोने लंघे तो वाह भला, जे डंग सोने ना लंघे तो शाम सवेरे कुड़ी वाले ने भी मनु चवल कहना है, तो मुड़े वाले ने भी मनु चवल कहना कि यह किस वड्डे चवल ने साडा रिश्ता करवाया। वो सारे ने ताड़ी मारी, खुश हो गए, उन्होंने पिंड वाले इसका जवाब लग गया। उन्होंने आख्या जी बड़ी मेहरबानी, तुम जा सकते हो। इस तरह फिर जनाब जाने के चले।